आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभास सिंह, बीजेडी के एमपी, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। आज उनसे हम लोग जानेंगे उनके संसदीय क्षेत्र के बारे में और उनके क्या क्या काम हुआ है, कैसे क्या आगे लेके क्या, मतलब लोगों का जो उन्होंने कमिटमेंट किया था तो उन्होंने कितना उसको इम्प्लीमेंटेशन किया और आगे कैसे काम चल रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में थोड़ा बताएंगे। मेरा संसदीय क्षेत्र बरगढ़ लोकसभा है। ये कंसेप्ट टू डिस्ट्रिक्ट, एक बरगढ़ जिला और एक झारसुगुड़ा जिला, 7 विधानसभा क्षेत्र है। एंड ये बरगढ़ संसदीय क्षेत्र जो है, एक तो बरगढ़ ये फुल ऑफ एग्रीकल्चर, एंड दूसरे जो झारसुगुड़ा है इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर दोनों है, एंड मोस्ट ऑफ द एरियाज आर रूरल एरियाज है। तो बहुत अच्छा जिला है, वहाँ पे एग्रीकल्चर का अच्छा, जो राइस बॉल ऑफ ओडिशा बोलते हैं, जो हमारा बरगढ़ है, बहुत राइस होता है, इसके बारे किसान बहुत रहते हैं यहाँ पे। बहुत सारे हैंडलूम वीवर्स हैं, जो संबलपुर टाई एंड डाई है, बहुत सारे वीवर्स हैं। एंड ऑल्सो यू आर रिच इन फोक म्यूजिक एंड डांस। बरगढ़ जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पे हमारा कल्चर काफी रिच है। आप जानते हैं जो वर्ल्ड फेमस धुन यात्रा होता है, द लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर इन द वर्ल्ड, धुन यात्रा बरगढ़ में होता है। और बहुत सारा अच्छा टूरिस्ट स्पॉट्स भी है हमारे जिले में, नृसिंहनाथ है, एंड बहुत सारे ब्यूटीज, नेचुरल ब्यूटीज हैं, एंड रिवर्स हैं, एंड फ्लोरा एंड फौना है, एंड बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स का जगह है बरगढ़ जिला। जहाँ पे जानते हैं एक पाइनमोरा एक जगह है, जहाँ पे अराउंड 32 फ्रीडम फाइटर्स एक ही गांव के थे। एंड और एक जगह है हमारे जिला में घेंस, काफी मतलब वास्ट कल्चरल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है आपके डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ का। तो आगे हम उसके बाद कल्चरल हिस्ट्री के बारे में जरूर पूछेंगे। जिला के हिसाब से एक अच्छा काफी सारी पोटेंशियलिटी है जी। और अभी फिलहाल अरुण जेटली जी गए थे 1 तारीख इन्वेस्ट ओडिशा प्रोग्राम में, काफी पोटेंशियल वहाँ क्रिएट करेंगे मेरे हिसाब से, और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि वेस्टर्न ओडिशा में काफी इन्वेस्टमेंट आएगा, और जिसमें एग्रीकल्चर सब सारे सेक्टर्स के इन्वेस्टमेंट है जितना मैंने पढ़ा है। तो बरगढ़ को आप पर्टिकुलरली ये इन्वेस्ट ओडिशा में कैसे मतलब लाएंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगा तो लोगों का इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होगा, एंड और लोगों का आपसे काफी काफी मतलब उपेक्षाएं हैं क्योंकि आप हाईली एजुकेटेड एमपी हैं। बहुत कम एमपी ऐसे हैं पॉलिटिकल पार्टीज में जो हाईली एजुकेटेड हैं, तो लोगों का उम्मीद आपसे काफी बढ़ जाएंगी ये दोनों चीजों से, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोगों को और डिटेल में बताइए। देखिए, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी अभी रिसेंटली लॉन्च किए हैं जो मेक इन ओडिशा, एंड बहुत सारे इंडस्ट्रियल हाउसेस एंड ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज वो भुवनेश्वर में आए थे। वो एक काफी उम्मीद हम करते हैं ओडिशा का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, एंड स्पेशली फॉर बरगढ़ एंड झारसुगुड़ा काफी सारी संभावना है, क्योंकि बरगढ़ जिसे बोलता है राइस के बारे में, एक राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, एंड कैसे किसानों का वो अच्छा डेवलपमेंट होगा, कैसे मार्केटिंग होगा, उनका जो वेजिटेबल्स है हम कैसे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बनाएंगे, एंड कैसे हम वेरियस क्रॉप्स करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा, उनकी मार्केटिंग अच्छा होगा, ये मेरा प्राथमिकता है, क्योंकि बहुत सारे मेरा एरिया का किसान हैं। एंड और वीवर्स जो संबलपुर टाई एंड डाई में काफी स्कोप है हमारे बरगढ़ जिला में, क्योंकि इतना टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं वीवर्स हैं जी, जो काफी सारे नेशनल लेवल हंड्रेड्स नेशनल लेवल है, जहाँ पे वो जो चीज है संबलपुर टाई एंड डाई, इसका मार्केटिंग का एक अच्छा क्षेत्र है जी। हम एक हैंडलूम का एक हब बनाना चाहते हैं, हैंडलूम पार्क बनाना चाहते हैं बरगढ़ जिला में, एंड किसी मार्केटिंग अच्छा होने से वो टूरिज्म बढ़ेगा, मार्केटिंग बढ़ेगा, एंड समर्पित टाई एंड डाई जितना भी है बहुत का नाम है,
फिर सारा ग्लोबली वो कैन बी वर्ल्ड में थोड़ा फेमस होगा, ये हम देखेंगे। एंड जो मेक इन इंडिया अभी ये कंसेप्ट आए हैं, बरगढ़ जिला में काफी टूरिज्म पोटेंशियलिटी है। जैसे नृसिंहनाथ एक ऐसा जगह है, नृसिंहनाथ एक बहुत ब्यूटी स्पॉट है, फ्लोरा एंड फाउना है, वहीं के नेचुरल एक स्प्रिंग है, वहीं के फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, मेडिसिनल हर्ब्स हैं, एडवेंचर टूरिज्म है, तो पर्यटन से दृष्टि से काफी संभावना है। मगर अभी तक जितना मार्केटिंग होना चाहिए, जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए, अभी तक हुआ नहीं। एंड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए, होना चाहिए। एंड टूरिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड कैसे आएंगे नृसिंहनाथ को, ये मेरा प्राथमिकता है। एंड बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, जैसे झारसुगुड़ा जिला में भी है, कोयली घोर एक जगह है जी। एक ब्रजनगर में एक चंडी टेम्पल है, वहीं के अच्छा नेचुरल ब्यूटीज हैं। एंड रॉक पेंटिंग्स है, आपका जो बिक्रम खोल है, प्रीहिस्ट्री रॉक पेंटिंग्स है, बहुत सारी जगह हैं जिसके हम टूरिज्म कर सकते हैं, हब बना सकते हैं। आप मतलब दो तीन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एक हो गया टूरिज्म, दूसरा हो गया हैंडलूम सेक्टर जो मतलब वर्ल्ड फेमस है संबलपुरी साड़ी एंड अदर हैंडलूम्स में। तो ये पर्टिकुलर चीज काफी समय से चल रहा है क्योंकि पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। आई मीन इवन इफ अगर हम लोग देखेंगे कि ओडिशा मतलब पूरी कोणार्क और भुवनेश्वर में खत्म हो जाता है, तो ये पार्ट जो एक्चुअल ब्यूटी ऑफ ओडिशा है वो ज्यादा नहीं हो पाता है। इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, जो आपने बोला कि ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग होना चाहिए, बट क्यों नहीं हो रहा है? आपका 17 साल आपके गवर्नमेंट ने काम किया है, काफी अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन पर्टिकुलरली वेस्टर्न ओडिशा में उतना देखने को नहीं मिलता, ऐसा क्यों है? ठीक है, नवीन पटनायक जी वेस्टर्न साइड डेवलपमेंट के लिए काफी कुछ किए हैं। एंड आप देखिए, हमारा वेस्टर्न साइड डेवलपमेंट काउंसिल है, काफी रुपया देते हैं कैसे वेस्टर्न बाटा ओडिशा का डेवलपमेंट होगा। एंड अभी संबलपुर में IIM हुआ जी। अभी बहुत सारे फंड्स KBK में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं एंड सभी बरगढ़ में काफी चल रहे हैं, मगर कुछ कमी है हमारा, ये कम्युनिकेशन कमी है। देखिए वेस्टर्न पार्ट ऑफ में एक एयरपोर्ट नहीं है अभी, एंड वी आर होपिंग 16 में एयरपोर्ट आ जाएगा झारसुगुड़ा में। झारसुगुड़ा में एक एयरपोर्ट होने से काफी सारे डेवलपमेंट होगा, क्योंकि बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं, जो बिजनेस आते हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। फिर कम्युनिकेशन में काफी थोड़ा प्रॉब्लम है, जैसे आप जानते हैं रेलवेज का और विकास होना चाहिए, जैसे हम नृसिंहनाथ को एक टूरिस्ट हब बना देना चाहते हैं, तो इनके रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है। तो बरगढ़ से नृसिंहनाथ, नौपड़ा, रायपुर एक रेलवे कनेक्टिविटी के लिए हम काफी बार बहुत बार डिमांड किए हैं लोकसभा में, एंड सर्वे भी हो चुका है, अच्छा उनका जो अच्छा मार्केट भी है, एक कनेक्टिविटी होने से टूरिज्म बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, एंड बहुत अच्छा एक हब होगा नृसिंहनाथ तट एरिया। तो काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, अभी तक बाकी है। और ऐसा है जो मिलना चाहिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट से असिस्टेंस, ये देखिए रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इस स्पेशल असिस्टेंस बैकवर्ड रीजन डेवलपमेंट फंड वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बंद कर दिया है, वो सब थोड़ा आने से वो BRGF देन स्पेशल नक्सल एरिया भी है, कुछ एरिया है बरगढ़ जिला में जैसे पाइकमाल, पद्मपुर एंड दिस अम्बाभना एरिया नक्सल अफेक्टेड है, तो उनके कुछ इंसेंटिव चाहिए, वो अभी तक आया नहीं। तो मैं देखता हूँ कि जो कुछ बढ़ने से इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सारे डेवलप होगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं इंडिया के लिए, उड़ीसा के लिए भी। अभी मोदी जी बरगढ़ गए थे कुछ महीनों पहले, उन्होंने काफी कुछ वादे किए थे फार्मर्स को देने के लिए, तो क्या हुआ अभी वो सब वादे जब करके आए थे, तो अभी तक क्या स्टेटस है उसका? देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने बरगढ़ आना 1 साल हो गया। ओके। जब हम लोग किसान लोग
जो उम्मीद कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर से आएंगे कुछ सुनेंगे कुछ कुछ होगा कुछ डेवलपमेंट, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत मैं किसानों के लिए कुछ भी जो डिक्लेरेशन होना चाहिए कुछ बेनिफिट होना चाहिए सबसे तो जो राइस का मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी तक ठीक से डिक्लेयर किया नहीं है। जो इलेक्शन में बोले थे कि हम संविधान कमेटी को इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारा सीएम साहब गवर्नमेंट को प्रोविजन भेजे हैं कि क्विंटल पर क्विंटल राइस का एमएसपी 2500 होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ। अभी वो जो फिक्स्ड है 1460, वेरी स्मॉल अमाउंट, इट शुड बी डबल। तो अभी तक कुछ भी नहीं किया मोदी साहब पश्चिम ओडिशा के लिए, सिर्फ बरगढ़ के लिए। बहुत बड़े बड़े बिफोर द इलेक्शन एंड आफ्टर द इलेक्शन वो आए थे उस इलाका में, एंड मैं जितना डिमांड दिए हैं किसानों के बारे में एंड स्पेशल रेलवे के बारे में एंड स्पेशली स्पेशल असिस्टेंट के लिए, अभी तक कुछ भी वो लोग किए नहीं। जो भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा जो सीएम साहब नवीन पटनायक जी, ये पश्चिम एशिया के लिए, वेस्टर्न एशिया के लिए, स्पेशली बरगढ़ के लिए बहुत सारे काम किए हैं। आप देखिए हम जितना मांग किए हैं करीब करीब सब कुछ फुलफिल कर रहे हैं। किसानों के बारे में आप देखिए जो बोनस बोले थे 100 रुपीज बोनस वो दे चुके हैं, इंश्योरेंस दे चुके हैं, एंड फॉर जो ड्रॉट हुआ था लास्ट ईयर भी ड्रॉट था कुछ एरिया में, दिस साल भी ड्रॉट हुआ है। तो ड्रॉट के लिए हम जो मांगे थे लास्ट ईयर टू ओडिशा के लिए एसोसिएशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2200 करोड़, अभी तक वो अनलिस्ट दे हैव गिवन अस 600। फाइलिंग का लिए कुछ दिया नहीं। मतलब आपका कहने का मतलब ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग की कमी है, बिल्कुल कमी है, है? लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो बोलते कि हमारे फंड्स तो स्टेट्स में जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि बहुत फंड्स आ रहे हैं गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से और ओडिशा गवर्नमेंट के लोग वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, फंड वापस चला जा रहा है। इसके बारे में हम क्लैरिटी से बताइए, लोगों को बताइए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो मतलब वो क्यों नहीं खर्चा कर पा रहे हैं नवीन पटनायक की पूरा टीम? मैं आपको जैसे बताया हूँ एक ड्रट के बारे में, जैसे मोर देन वन ईयर हो गया, वो सेंट्रल टीम आए बरगढ़ में, आई हम भी थे टीम में, पूरा उनको बुलाया घुमाया कितना ड्रट डिफेक्टेड है और रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट देने के बाद भी जो फंडिंग का बहुत कम था और बहुत आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे, देन ब्यूरोक्रेसी, उसके बाद अभी फुल टाइम पॉलिटिशियन और ए हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल है। और जब आप ब्यूरोक्रेसी में थे तो काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उड़ीसा के बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स आपने एग्जीक्यूट किए हैं, और लोगों का जनरली लोगों का कैसा रहता है कि ये सब एक्सपीरियंस और वेल एजुकेटेड पर्सन से लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और एट द सेम टाइम आप फर्स्ट टाइम इलेक्टेड हैं, तो इसको आप कैसे, लोगों का जो एक्सपेक्टेशन रहेगा उसको आप कैसे देखते हैं, और ये जर्नी जो है आपका ट्रांजिशन जो है स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर फुल टाइम पॉलिटिशियन तक कैसा रहा? ये समझिए काफ़ी लंबा जर्नी है। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव थे, जब कॉलेज करियर में यूनिवर्सिटी करियर में स्टूडेंट यूनियन में हम जनरल सेक्रेटरी थे, सीनियर मेंबर थे, फिर हम जो हमारा लीडर थे लेट बीजू पटनायक उनके साथ भी हम काफ़ी काम कर चुके हैं, एंड आई वेरी एक्टिव इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स। इसके बाद हम पढ़े के बाद हम जॉब में थे, बहुत सारे जॉब में काम किए हैं, मैं काफ़ी जॉब एक्सपीरियंस है, लाइक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, देन फाइनली आई वाज वर्किंग फॉर ओडिशा स्टेट म्यूजियम एज ए क्यूरेटर, एंड काफ़ी सारे मेरा जॉब एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट में भी, स्पेशली टूरिज्म फील्ड में, कल्चर फील्ड में, एंड ऑल्सो फॉर द डिफरेंट सेक्टर्स लाइक फोक डांस एंड म्यूजिक में काफ़ी सारे जो भुवनेश्वर में अरेंज कर रहे थे, एंड इसे किसी डेवलपमेंट होगा, एंड स्पेशली द फोक आर्टिस्ट जो हमारे ओशन ओडिशा लोग हैं कैसे वो लोग बाहर परफॉर्म करेंगे, हम काफ़ी प्रयास किए हैं, हाईलाइट किए हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं, एंड हमारा जो ओडिशा का, मैं तो खाली पश्चिम ओडिशा नहीं मानता हूँ, जो हमारा नुआखाई बोलते हैं, नवान्न बोलते हैं, ओडिशा का एक प्रमुख पर्व है, इसे किसी एक प्लेटफॉर्म भुवनेश्वर में
होगा, ये हम काफी प्रयास किए हैं। अभी नुआखाई बहुत जगह में फंक्शन हो रहा है जी। फिर हमारा जो फेस्टिवल्स है, हमारा जो ग्रेट्समैन उड़ीसा के हैं, वीर सुंदर साय से लेकर माधव सिंह, हाथी सिंह एंड बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, पट गंगाधर मेहर हैं, उनका जो बर्थडे हम मनाते थे भुवनेश्वर में एंड बहुत सारे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम किए हैं एंड जॉब के साथ काफी मेरा कल्चर के साथ मेरा स्पेशल रुचि था, अभी भी रुचि है एंड जब हम कर रहे थे, हमको जब हमारा जो लीडर उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री जी नवीन पटनायक जी मुझे बीजेडी से टिकट दिए तो 14th लोकसभा के लिए मैं कंटेस्ट किया, जब छोड़ दिया। इसके बाद मैं अभी एक फर्स्ट टाइमर एमपी हूँ एंड फर्स्ट टाइमर एमपी होने के नाते काफी चीज सीखना पड़ता है जी, जी। जैसे पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर्स है, फंक्शंस है, हमारा जो एक्टिविटीज है, डे टू डे फंक्शन है, बहुत चीज हमको जानना पड़ता है जी। बहुत सा सीखना पड़ता है। दूसरे बात, पार्लियामेंट में लोकसभा में स्पेशली हम काफी ट्राई करते हैं कुछ बोलने के लिए, जैसे क्वेश्चन आवर में है, जीरो आवर में है, 377 में है, 193 में है, किसी का बिल्स के ऊपर में है, हम ट्राई करते हैं कुछ बोलने के लिए, प्रयास करते हैं। हमारा स्पेशली जो एरिया का जो डिमांड्स है, लोगों का जो उम्मीद है, स्टेट का जो उम्मीद है एंड किसानों को जो इश्यूज है, जो बेनिफिट मिलना चाहिए लोगों को, जिस वजह से आपको मतलब इलेक्ट किया है। हाँ, वो एक मतलब देख रहे हैं। हाँ, कि ये वेल एजुकेटेड है, इनको एक्सपीरियंस है, तो मतलब लोगों का उम्मीद तो रहेगी। और हमें भी ऐसा लगता है कि आप आगे चल के इसके ऊपर बहुत काम करना है, अभी तो फर्स्ट आपका फेज है, तो आगे चल के बहुत काम करना है, तो आगे क्या क्या प्लान रहेगा पर्टिकुलर आप मतलब बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट को लेके, क्योंकि इसमें मुझे जो लगता है कि काफी काम करना है यहाँ पे, तो आप उसको कैसे देखते हैं, चैलेंज की तरह देखते हैं या फिर मतलब जो आएगा उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, या फिर जो गवर्नमेंट बोली करने के लिए उसको कर देंगे, और कुछ या फिर कुछ इनिशिएटिव आप अपने तरफ से लेंगे? देखिए, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो लोग मुझे वोट दिए हैं, मेरे से काफी उम्मीद है। आप जैसे हैं, मैं एक पढ़ा लिखा एक वेल एजुकेटेड पर्सन हूँ एंड लोगों का क्या इश्यूज है मैं जानता हूँ, लोगों का डिमांड्स क्या है मैं जानता हूँ एंड स्कोप क्या है ये भी मैं पूरा कृषि घूम के मैं करीब 2 साल में नूगेंस को नॉर्मल कृषि है मूव द एरिया जानता हूँ कहाँ कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है एंड इस एक मैं चैलेंज के हिसाब से मानता हूँ। मेरे लिए स्कोप भी है, मेरे लिए एक पॉजिटिव साइन भी है कि मैं करना चाहता हूँ लोगों के लिए कुछ जो लोगों का अच्छा होगा, एरिया का भलाई होगा एंड स्पेशली जो डेवलपमेंट में देखता हूँ एंड फॉर डिफरेंट सेक्टर्स, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर रूरल एरिया, फॉर यूथ, फॉर कॉमन मैन, फॉर वीवर्स, फॉर ऊपर मतलब आप ध्यान देंगे, क्राफ्टमैन है, काफी सारे है, फॉर डेवलपमेंट टूरिज्म, डेवलपमेंट कल्चर, काफी सारे स्कोप है हमारा एरिया में जो हम डेवलप करें एंड स्पेशली आप जो मैं बता रहे थे, हम काफी सारी कमी है हमारे एरिया में। देखिए, जैसे हम रूरल जो कनेक्टिविटी होना चाहिए अभी तक बहुत एरिया में बहुत पुअर है, अच्छा रोड्स नहीं है, तो उसके ऊपर आप थोड़ा फोकस करके काम करेंगे, मतलब ये मतलब आपसे तो उम्मीद लोग लगा ही रहे हैं। और हमारा अगला, जैसे आप स्किल डेवलपमेंट में कितना ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी प्रोग्राम है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, और ओडिशा गवर्नमेंट का भी प्रोग्राम है और काफ़ी बल दे रहे हैं उसके ऊपर, और प्लस अभी इन्वेस्ट ओडिशा का प्रोग्राम शुरू किया है, लेकिन जब अगर स्किल सेट नहीं रहेंगे लोकली अवेलेबल तो इंडस्ट्री खुल भी जाएगा, तो बाहर से स्किल लाना पड़ेगा, तो इसके ऊपर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में कितना बल दे रहे हैं आपके एरिया में? देखिए, हम हमारा जो यूथ्स हैं कंस्टिट्यूएंसी का, मैं यूथ के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, जैसे स्किल डेवलपमेंट के जरिए से हमारे यूथ्स को हम कुछ ट्रेनिंग दे सकते हैं डिफेंस सेक्टर में, काफी सारे इंडस्ट्री जा रहे हैं, आगे भी कुछ आएगा, तो हम जब स्किल
पास नहीं पाएंगे तो कैसे हम एंगेज करेंगे, बाहर से लाना पड़ेगा। इसीलिए हम हमारा जो एरिया में बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं, जो कम एजुकेटेड भी है उनको हम ट्रेनिंग देंगे, जिससे स्किल डेवलपमेंट सेंटर से थ्रू से वो लोग स्किल होंगे तो लोग काम करेंगे। एंड बहुत सारे स्कोप है स्पेशली बरगढ़ झारसुड़ा में, जैसे हमारा झारसुड़ा में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो कुछ स्किल डेवलपमेंट सेंटर होगा जहाँ पे हमारा यूथ्स ट्रेनिंग लेंगे। एंड बरगढ़ में भी दो सेंटर आ रहे हैं अभी हमारा ओडिशा गवर्नमेंट के सपोर्ट से, जहाँ पे वेरियस सेक्टर में फील्ड में वो लोग ट्रेनिंग लेंगे यूथ्स लोग, एंड वो लोग काम करेंगे, अपना कुछ इंडस्ट्री बनाएंगे, अपना कुछ फार्म बनाएंगे और कुछ कहाँ पे काम भी कर सकते हैं। तो स्किलिंग बहुत जरूरी है अभी हमारा इसको कुछ एक इनकम सोर्स बनाने के लिए। दूसरा, ये डिजिटल इंडिया का कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ओडिशा में, क्योंकि ठीक है बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज डिजिटली लिटरेट है, बट वो खाली जो सिटीज में अर्बन एरियाज में है, टाउन्स में है, बट विलेजेस में कितना वो आप कैसे करेंगे उसको, उनको ट्रेन कैसे करेंगे या फिर सिखाएंगे कैसे आप अपने एरिया के लोगों को? देखिए हम लोग स्मार्ट सिटीज के बारे में बात करते हैं, मगर हम लोग नहीं बात करते हैं स्मार्ट विलेजेस के लिए। एंड आप जो डिजिटल इंडिया, अनलेस अंटिल हम रूरल इंडिया में पेनिट्रेट नहीं करेंगे तो डिजिटल इंडिया में सोचता हूँ फेल है, क्योंकि 70% लोग गांव में रहते हैं। गांव में जहाँ इंटरनेट फैसिलिटी 24 आवर्स रहेगा, गांव में बैंकिंग फैसिलिटी होगा, गांव में लोग डिजिटल इंडिया का जो डिजिटल फैसिलिटी पाएंगे तो बेस्ट यूज करेंगे, तो हम गांव की तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी देखिए BSNL नेटवर्किंग बहुत सारे जगह में फेल्योर है, नेटवर्किंग काम नहीं कर रहे हैं जितना होना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स नेटवर्किंग अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो हम पहले वो सब चीज ठीक करेंगे, तो जो डिजिटल इंडिया का जो कंसेप्ट हम देख रहे हैं तो गांव का लोग वो बेनिफिट लेना चाहिए, तो गांव लोग स्मार्ट विलेजेस हो जाएगा, जहां पे लोग बैंकिंग फैसिलिटीज डिजिटल थ्रू जितना बेनिफिट पाना चाहिए, बहुत सारे स्कोप है गांव के लोग को। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, तो हमारे जो यूथ्स लोग हैं, हमारे किसानों हैं, हमारे यूवर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो सब लोग बेनिफिट पाएंगे। सर एक आखिरी सवाल आपसे, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं देखिए मैं बरगढ़ जिला झारसुगुड़ा जिला एक प्रतिनिधि के नाते, उनका जो प्रतिनिधि निर्वाचित सदस्य नाते मैं मानता हूँ, उन लोगों का मैं सेवक हूँ। एंड जितना भी जो काम हो सके मेरे माध्यम से, चाहे वो मेडिकल काम हो, चाहे किसानों का काम हो, चाहे स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर जो भी है इश्यूज है, हम करने के लिए तैयार हैं। एंड स्पेशली यूथ्स के लिए काफ़ी हम काम करना चाहता हूँ, एंड डेवलपमेंट स्पोर्ट्स के लिए एक नेशनल लेवल का स्टेडियम मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने के लिए मैं प्रोजेक्ट दे चुका हूँ। एंड जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो लोग भी पॉजिटिव है हमारे, दे वेटिंग फॉर द प्रोजेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। एंड अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता हूँ बरगढ़ एंड झारसुगुड़ा जिला में, सो दैट हमारे इतना स्पोर्ट्स टैलेंटेड हैं जो लोग नेशनल लेवल में इंटरनेशनल खेल खेलेंगे। एंड दूसरा बात ये है, हम चाहते हैं हर गांव में किसानों के लिए जो इरिगेशन का फैसिलिटी होना चाहिए। एक तो हीराकुड डैम का पानी है कुछ एरिया में, बहुत सारी जगह में जहाँ पे नहीं है, हम चाहते हैं कि मेगा लिफ्ट पॉइंट के माध्यम से, बोरवेल के माध्यम से, टी पोरवेल के माध्यम से उनका सिंचाई होना चाहिए। एंड तीसरा बात है, जो प्रोडक्शन होता है किसे अच्छा से मार्केटिंग होना होगा, जो किसानों उनका जो उचित मूल्य, प्रचार और प्रसार में काफी ध्यान देना पड़ेगा उनको ठीक मार्केटिंग होगा। एंड स्पेशली फॉर एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, रूरल डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, इस सब चीज मेरा ध्यान में है, जो मैं चाहता हूँ कि हर जगह में जो ब्रॉडबैंड सुविधा होना चाहिए, रेलवे कनेक्टिविटी होना चाहिए, एंड टावर जो आप बात रहे हैं डिजिटल इंडिया कॉन्सेप्ट,
वो गांव में तक पहुंचेगा, बैंकिंग फैसिलिटी गांव में जाएगा, हर स्कूल में अच्छा स्कूल बिल्डिंग होगा, ये सब मैं चाहता हूं एवं प्रयास भी करूँ, काफी हो चुका है, बाकी भी कुछ है। जो भी इश्यूज है, मेरा निवेदन है मेरा कंस्टिट्यूशन लोगों को लेके लिए, वो लोग मेरे मुझे बताएंगे जो भी इश्यूज है उनको बारे में, मेरा मैं जो कर सकता हूँ मुझे प्रोपोजल भेजेंगे, मैं जरूर ट्रैक कराऊंगा, जितना मेरे तरफ से होगा उनका उम्मीद मैं जरूर फुलफिल करेंगे। आज हमारे साथ थे श्रीमान प्रभास कुमार सिंह, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एमपी बीजेटी के, तो उनसे बातचीत करके और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिला। तो हमसे बातचीत करने के लिए प्रभास सिंह जी को हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, थैंक यू सर। एंड आई होप जो भी आपने अभी बोला उसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से कर पाएं, तो इसके लिए हमारे शुभकामनाएं और थैंक यू वेरी मच टॉकिंग टू अस। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को अपने लैंग्वेज में, संबलपुरी लैंग्वेज में कुछ मैसेज दे दीजिए। जेन मोर अच्छा समस्त मोर बंधु बांधव भाई भौणी युवक बंधु मैंने एवं मोर गुरुजन मैंने समस्त को मैं धन्यवाद देमी, मत सुजोग दे सेवा करवा लगे एवं आशा करें जहाँ भी तक आवश्यक अच्छे विभिन्न कथा आवश्यक अच्छे, चाषी कथा अच्छे, कृषक हमारे बुनाकार कथा अच्छे, निर्माण श्रमिक छात्र छात्री एवं युवक मान जहाँ भी दरकार अच्छे मो पाखे जहाँ किसी काम हे निश्चित तार काम करमी, विशेषकर गाँव गाँव विकास हे एवं आम अंचल सर्वांगीन उन्नति हे सब क्षेत्र विकास हे से लगे मुई निश्चित भाव करमी एवं मोर तो अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।